पहले आप लोग को बताए हैं कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन के दो स्टेचुटरी फोरम है, पीएससी और डब्ल्यूआई। डब्ल्यूआई वर्कमैन इंस्पेक्टर जो माइंस के वर्कर के ऑन बिहाफ इंस्पेक्शन करते हैं, और पिट सेफ्टी कमेटी जो है इसको सेफ्टी कमेटी भी बोलते हैं, पिट सेफ्टी कमेटी बोलते हैं, एक ही बात है। लेकिन जो माइंस एक्ट के सेक्शन 12 में कमेटी दिया है, दैट इज अ डिफरेंट कमेटी, और दैट इज अ वेरी बिग कमेटी। आई विल टेल यू, कमेटी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द माइंस एक्ट 1952, दैट इज डिफरेंट कमेटी, ओनली कमेटी, एंड दैट इज अ वेरी बिग कमेटी। दिस इज अ सेफ्टी कमेटी, आर पिट सेफ्टी कमेटी, बोथ वर्ड आर हैविंग द सेम मीनिंग। ओके, 2090 में दिया है, किसमें दिया, रूल 2090, ठीक है। फिर कंस्टिट्यूशन दिया यू में, 29U में, तो क्या बोलता है कि ऐसा माइन जिसमें 100 या उससे अधिक आदमी ऑर्डिनरली इंप्लॉयड है, तो वहां पर सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए, फॉर प्रमोटिंग द सेफ्टी इन द माइन, ए सेफ्टी कमेटी इज कंस्टिट्यूटेड। क्या बोला भैया, आपको इतना याद रखना है कि पिट सेफ्टी कमेटी कब बनाते हैं, कब बनाते हैं, व्हेन द एम्प्लॉयमेंट, व्हेन द ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन इज मोर देन 100 और मोर देन 100, ठीक है, तब आपको माइंस में सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए पिट सेफ्टी कमेटी कंस्टिट्यूट करना है। कब करना है, एम्प्लॉयमेंट जो आपका एम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन, ओईपी लिख दिया, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन 100 आर मोर देन 100, मतलब मिनिमम आपको कितना चाहिए, 100 आदमी रहेगा तो आपको पिट सेफ्टी, 100 के ऊपर है तो आपको बनाना ही बनाना है, 100 बोल दिया मतलब कि 100 आदमी है तो आपको बनाना ही बनाना है, तो मोर देन 100 नहीं भी बोलेंगे तो बात वही है, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन का कितना चाहिए, 100, तो आपको पिट सेफ्टी कमेटी गठन करना है। काहे के लिए करना है, फॉर प्रमोटिंग द सेफ्टी इन द माइंस। ओके, खत्म हो गया। अब हम देखेंगे इसका कंपोजिशन और कंस्टिट्यूशन, ठीक है, इसका गठन, इसमें कंपो, इसमें कौन कौन आदमी होते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन लोग रहते हैं, ठीक है। इस कंपोजिशन में पहला रहेगा चेयरमैन, चेयरमैन अध्यक्ष, सभापति, इस टाइप का अध्यक्ष, सभापति, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन रहेगा भैया, मैनेजर ऑफ द माइंड, जो भी माइंड का मैनेजर होगा ही विल बी द चेयरमैन, ठीक है। अब चेयरमैन है भैया तो चेयरमैन का कुछ राइट भी रहेगा ना, तो ये चेयरमैन साहब जो है ये क्या करते हैं, 5 ऑफिशियल या कॉम्पिटेंट पर्सन को नॉमिनेट करते हैं पिट सेफ्टी कमिटी के लिए, कितने बोले, 5 ऑफिशियल्स। ये सब डेफिनेशन को थोड़ा बढ़िया समझिएगा, 5 ऑफिशियल्स आर कॉम्पिटेंट पर्सन, सीपी कॉम्पिटेंट पर्सन, 5 ऑफिशियल्स आर कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, नॉमिनेटेड बाय चेयरमैन, और ट्रेड यूनियन से सलाह मशवरा करके 5 वर्कमैन कहां से रहेंगे, फ्रॉम ट्रेड यूनियन, 5 वर्कमैन जो रहेगा, 5 हमारे कामगार साथी रहेंगे जो कहा किसके ये वर्क, 5 वर्कमैन इनको कौन नॉमिनेट करेगा, नॉमिनेटेड बाय लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन, ठीक है। मैनेजमेंट और यूनियन मिल करके हमेशा काम करता है, क्यों, क्योंकि जब तक दोनों का सहयोग नहीं होगा एक सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद डब्ल्यू आई, जो हमारे माइनिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के डब्ल्यू आई वो भी रहेंगे, पीएससी के मेंबर्स
और हमारे सेफ्टी अफसर एसओ फॉर सेफ्टी अफसर एंड ही विल एक्ट एज सेक्रेटरी टू द कमेटी। ठीक है, इसके अलावा हमारे जो चेयरमैन है, चेयरमैन किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल या वर्कमैन को किसी भी मीटिंग में बुला सकते हैं, ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर है चेयरमैन का। ठीक है, इतना हुआ। सेफ्टी कमेटी का मीटिंग जो है सेफ्टी अफसर एसओ मीन सेफ्टी अफसर ही विल एक्ट एज अ सेक्रेटरी टू द कमेटी। चेयरमैन जो है वो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफिशियल या वर्कमैन को किसी भी मीटिंग के लिए किसी भी मीटिंग में बुला सकते हैं, इनका डिस्क्रिशनरी पावर है चेयरमैन का। एंड चेयरमैन विल बी मैनेजर ऑफ द माइन। सेफ्टी कमेटी का मीटिंग जो है हर तीसरे में कम से कम एक बार होता है स्टेचुटरी।